अगर ये धरना वन डे का अगर असर नहीं पड़ता, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं मेरा फिट प्लान होने वाला है। एक बार ब्रीफिंग किया, कोई आउटकम नहीं आया। दो तीन बार गया है अलो लेबंग का पास में, दो तीन बार गया है। पैसा को चाहिए बोल के मांगने के लिए हम लोग को नहीं दे रहा है, चार साल हो रहा है। आज ये हम लोग धरना बैठ रहा है अपना हक को मांगने के लिए आया है। हम लोग को विडो पेंशन पहले 2018 से अभी 2023 तक हम लोग को नहीं दे रहा है, चार साल हो रहा है। हम लोग को ये पहले देता था, अभी बंद होके रखा है, उसको हम लोग मांगने के लिए आए हैं। आज धरना बैठ रहा है, वो जगह जगह से दूर दूर से हम लोग आके, हम लोग पूरा ये और लोग बेचने वाला हुई डो है। हम लोग पति नहीं होने से सहायता देने वाला नहीं है, बहुत तकलीफ होता है। बच्चा चार चार पास पास तो है, और बच्चा को आजकल का जमाने में पढ़ाना लिखाना है, समझाना है, कपड़ा पहनाना है। पहले जमाना तो खेती उती करके ये नहीं पढ़ने से भी होता था, आजकल तो पढ़ना लिखना है। और हम लोग बहुत पैसा जरूरी होता है, थोड़ा पैसा होने से भी अपना ये एनआरएम को मिलने से टीके बोल के हम लोग अपना एनआरएम को मांगने के लिए आज आया है। अभी हम लोग जैसे तैसे करके चल रहा है, क्या करेगा, नहीं मिला है, इसलिए तो हम लोग बहुत दुख तकलीफ है। पति नहीं बोल के हम लोग उसको गवर्नमेंट से हम लोग आज मांगने के लिए आया, जैसे भी हम लोग को कम पैसा होने से भी सही सलाम में देने से टीक के सोच के हम लोग आया है। और हम लोग बीजेपी कांग्रेस बोल के एजेंस होके नहीं आया है, अपना ओनरिम को, अपना राइट को, अपना हक को मांगने के लिए आया है। अभी ये 2018 से अभी 2023 तक चार साल पाँच साल रनिंग हो रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, बंद करके रखा है। हम लोग पहले कार्ड भी बना के रखा है ना, हम लोग एक दो तीन बार गया है अलो लेबंग का पास में, दो तीन बार गया है, कुछ भी जवाब नहीं दिया। हम लोग को उधर ओनरिम डालने वाला उधर ऑफिस में भी हम लोग जाके बुलाए, हो लोग इसे बुलाए, वो आप लोग हाई लेवल को बात करो, हम लोग को पैसा भेजने से हम लोग डाल देगा, हाई लेवल को आप लोग बात करके। हम लोग अलो लेबंग का पास कितना बार गया है, दो तीन पास बार ऐसे गया है, जवाब नहीं है, आंसर नहीं है। इसलिए आज हम लोग को यहाँ में धरना बैठना पड़ेगा, धूप पोया छाया दुख सुख को हम लोग बताने के लिए यहाँ में आया है। सक्सेस नहीं होने से हम लोग इसे बैठते रहना पड़ेगा, और नेक्स्ट में भी हम लोग इसे करेगा, साथ देगा, जितना होगा हम लोग इतना साथ देगा। हम लोग ये अभी तरती जैसे आया है विडो लोग ना, और बहुत है ये, कोई लोग अंक अंधा है, कोई लोग पैर लिंग रहा है, किस्म किस्म का ये आज ना ये दिव्यांग जान है ना, और आधा लोग नहीं आया, आधा लोग कबर भी नहीं मिला है, जो कबर मिला है आया है, कबर मिलने से पूरा आएगा। मेरा तरफ से हम तो पैसा को चाहिए बोल के मांगने के लिए। हम ये इशू को बार 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 बहुत बार बोल चुका है, तो आज हम वो टॉपिक को एक्चुअली हम बार उड़ाना नहीं चाहते हैं। मेरा आज का ये जो पॉइंट हम इसलिए आया है, मेरा फर्स्ट प्लान को बताएगा। फर्स्ट प्लान जो ये बेनिफिशियरी का इश्यू में है, अब सब पता है, दिव्यंग जन का हो गया, आपका विडो का हो गया, कॉलेज का हो गया, उसका चलते मैंने काफी साल से देखा और बिल पेमेंट जो क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने दिमाग लगाया कि उन लोगों को हम एक लगने के लिए हमको एविडेंस चाहिए। तो ये एविडेंस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसका सारा डीपीआर को निकलना होगा, ये मेरा फर्स्ट प्लान था। तो हम लोग सजेता में डायरेक्टर में अटके किया, डॉक्यूमेंट कुछ निकला, और सेकंड किया ये सेक्रेटरी में किया, साथ किया हम लोग दिल्ली से जेता तक किया आरटीआई। अभी मेरा पास में सारा एविडेंस पेंडिंग बिल का रिकॉर्ड है, 200+ बिल पेंडिंग का ना, ये मेरा फर्स्ट प्लान था। सेकंड प्लान हुआ है, हम सिमो में मेमोरेंडम डालना है, सिम सब था कि ये बिल का ये मेमोरेंडम का कारण से हमारा बिल को विडो का हो गया, ओल्ड एज का हो गया, डिसेबिलिटी का हो गया, 200+ crore को दे सके, वहाँ में मेमोरेंडम सबमिट किया, कोई आउटकम नहीं। फिर मेरा थर्ड प्लान आ गया, हमको ब्रीफिंग करना, मीडिया एंड पब्लिक डोमेन में हमको आना है। एक बार ब्रीफिंग किया, कोई आउटकम नहीं आया, फिर ब्रीफिंग किया, कोई आउटकम नहीं आया,
फिर तब टाइम ब्रीफिंग किया, कोई आउटकम नहीं आया। फिर मेरा फोर्थ प्लान जो आज हम इसलिए प्लान फोर्थ प्लान जो आया है कि हमको धरना ही करना है, ठीक है ना। और ये धरना ही मेरा एक फोर्थ प्लान जो ये उपाय है। अगर आज तक ये फोर्थ प्लान तक अगर मेरा कोई इंसरेबल नहीं होता, हमने देखिए मीडिया में हम बार बार ब्रीफिंग किया, हम बोला कि सारा डिस्ट्रिक्ट का लोग को हम बुलाने वाला है। अभी मेरा कारण से वो मीडिया ब्रीफिंग का कारण से बहुत आया, कम से कम अभी हम देखा है लीज को 100+ आया। तो अभी फोर्थ प्लान में हमको धरना तक आ गया, 100 एबव आदमी आया। अभी इस तक फिर इंसरेबल नहीं होगा, फिर हमारा फिफ्थ प्लान होगा। जी जी, हम एक बार सबमिट किया, वो एक बार वन टाइम सबमिट किया। उसमें बार बार मैं के लिए हमने जाके पूछा, डायरेक्टर ने पूछा और सीमा वाला को पूछा, कोई बोलता है कि इंसरेबल नहीं है। कोई अभी तक सीम का टेबल में हम लोग रुके, इसलिए तक गया। अभी मेरा फोर्थ प्लान को पब्लिक का डोमेन में धरना लेके आया। वही तो आगे हम बोला है ना, अभी मेरा ये जो फोर्थ प्लान है, तो ये फोर्थ प्लान में अगर ये धरना वन डे का अगर असर नहीं पड़ता, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं मेरा फिफ्थ प्लान होने वाला है। फिफ्थ प्लान, अभी फाइव प्लान होगा, उसका बाद सिक्स प्लान होगा, सेवन प्लान होगा। इसको अभी आप लोग को हम ये पहले करने से पहले नहीं बताएगा, मेरा प्लान और कुछ है। और मेरा प्लान को आगे रखने के लिए हम कभी पीछे नहीं आतेगा और सेलिंग नहीं बेचेगा। आज का बाद आज हम लोग 5 बजे तक वैलिडिटी है, ठीक है ना, 5 बजे तक वैलिडिटी है। उसका बाद में हम एक सप्ताह रुकेगा, एक सप्ताह अपना दिमाग काम थोड़ा रेस्ट करके हम दिमाग लगाएगा, उसका बाद मेरा फिफ्थ प्लान जो फिर चालू करें। उन लोग का आज का रहने पीने खाने में मेरा तरफ से जितना हो सके हम अपने से कर रहे हैं, ठीक है ना। हम रहने पीने बोला अपना अपना घर बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन खाने पीने में हम अपना से कोई किसी से फाइनेंस नहीं मांगा, पहले से करके आया और अभी भी मेरा तरफ से कर रहा है।